अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। हेलो सलाम सलीम भाई, आपने प्रतिक्रिया दी है जी, तो आप प्रतिक्रिया में सहमत आपके कि आपने जो बोले बिल्कुल सही बोले कि मस्जिद में बोलने की गरज नहीं है? नहीं नहीं, मैंने प्रतिक्रिया क्या दिया, मेरी प्रतिक्रिया आप ठीक से पढ़ो। हाँ हाँ, फिर आपके समझ में आएगा। हाँ जी, क्या दी आपने प्रतिक्रिया? मैंने प्रतिक्रिया मतलब हाई कोर्ट का निर्णय है बोला। हाँ, मैं उसके ऊपर बोला हूँ, मैं कानून के ऊपर बोला हूँ, बाकी कुछ नहीं बोला हूँ। अच्छा, तो फिर राज ठाकरे का आपने समर्थन करे तो उसके समर्थन में आपने हनुमान चालीसा ही पढ़ना चाहिए। नहीं, क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ना चाहिए, आपने भोंगू की बात से आपने आप मुत्तबी हुए मनसी की तरफ से, तो हनुमान चालीसा भी उन पॉलिसी में एक है मनसी की। हेलो जी, तो हनुमान चालीसा का भी करो आयोजन आप? नहीं, क्यों करूंगा भाई, नहीं करना चाहिए आपने ऐसा। नहीं, नहीं, आप जब भोंगिए का विरोध कर रहे हैं, जो बरसों बरस से चलती आ रही पद्धत है, आप मुस्लिम होने के नाते भी अगर उसको विरोध करते हैं तो आपने हनुमान चालीसा ही पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं नहीं, मैं कल प्रेस लेने वाला हूँ। नहीं, आपने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, कल मैं प्रेस ले रहा हूँ। अच्छा, आप तो ऐसा लगता है कि मीर जाफर मीर सादिक की उससे दिख रहे आप वंशज। नहीं नहीं, मैं प्रेस लेने, प्रेस लेने। मेरा नाम जावेद मुल्ला जी है, मैं जामनेर से बोल रहा हूँ, माजी उपनगर अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम लिख लीजिए आप, और आप मीर जाफर और मीर कासिम की उस तो दिख रहे आप जी, नकल से दिख रहे आप, आपकी उसमें आपका डीएनए भी टेस्ट करा लो, आपका डीएनए टेस्ट करा लो, आप मुस्लिम हो ही नहीं सकते। आप एक झूठी पद के लिए अगर अपनी कौम का, हेलो, एक झूठी पद के लिए अपनी कौम का सौदा करते हुए आप रख दिया।